एक साल की थी है जब पहली बार देखा इसे. सिद्धांत हो, इशिका, ललित, इन लोगों को हमेशा मैंने भाई और बहन की तरह ट्रीट किया है, लेकिन नताशा हमेशा मेरे लिए बेटी ही रही है. बाप बनाऊंगा इसके लिए. और आज इसका ये हाल देखकर उस लड़के को ढूंढ निकाल उस लड़के को जिसने मेरी बहन का ये हाल किया. राम, तुम ये कैसे कह सकता है कि ये सब एक लड़के की वजह से हुआ? मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं विक्रम. हद से ज्यादा जिद्दी है ये. इसने कभी भी अपने आप से ज्यादा किसी को प्यार नहीं किया, पर आज उसने किसी और के लिए अपने आप को मारने की कोशिश की है. इसका मतलब जरूर कोई है जिसे वो अपने आप से ज्यादा प्यार करने लगी. शायद उसी से बात कर रही थी जब उसका फोन चेक द लास्ट डायल कॉल. उस लास्ट डायल नंबर की सारी जानकारी चाहिए मुझे. मामा, मामा उठो. मामा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मामा, नताशा कपूर और हमारा कार्तिक, इन दोनों में मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा. ये लोग कहाँ मिले होंगे? कैसे कैसे जानते हैं वो दोनों एक दूसरे को? जरूर किसी पब में मिले होंगे. अरे वो क्या होता है जिस पर तुम पूरा दिन लगे रहते हो, वो जिसके कारण तुम लोगों का खाने पीने पर ध्यान नहीं रहता? इंटरनेट? नहीं नहीं नहीं, वो कोई साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट. साइट हाँ. जरूर उस पर ये दोस्ती हुई होगी उन लोगों की. हाँ, यही हुआ होगा. मामा, हमारे कार्तिक भैया तो बड़े छुपे रुस्तम निकले. इतना बड़ा कनेक्शन बनाया है और हमें पता तक नहीं लगने दिया. नताशा कपूर कार्तिक शर्मा के प्यार, प्रेस को जब ये पता चलेगा हंगामा होगा. किसी को पता नहीं चलना चाहिए इन दोनों के बारे में. मेरी बहन का अफेयर किसी रोडसाइड रूमियो के साथ, उसे तो मैं, जिस तरह से कार्तिक ने उसे चांटा मारा था ना, उससे लगता है वो लोग काफी करीब हैं. हाँ, उनका तो रोजाना कहीं मिलने का सिलसिला होता होगा. क्यों, तुझे क्या लगता है? ज्यादा पुरानी जान पहचान तो हो ही नहीं सकती. नहीं तो हमें कुछ तो पता चलता. आई एम श्योर वो फंसाना चाहता है मेरी बहन को, यूज करना चाहता है उसे अपनी कामयाबी के लिए. नताशा की शोहरत और मेरी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है. साला रोडसाइड रोमियो मेरी बहन के साथ शादी के सपने देख रहा है. शादी तो होगी ही होगी, वरना बात ऐसे ही थोड़ी इतनी आगे बढ़ती. मुझे पक्का यकीन है कि कार्तिक को उसके घर वाले भी बहुत पसंद करते होंगे. हाँ, हाल के लिए मैं स्वयं विक्रम, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मार डालूंगा उसे. Excuse me, Mrs. Kapoor, ये वाकई एक्सीडेंट है या सुसाइड अटेम्प्ट? हमने तो सुना है कोई लड़के वड़के का चक्कर है. देखिए, आप लोगों ने बिल्कुल गलत सुना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. It was just a stress attack. आप लोग सब जानते हैं कि नताशा कपूर काम कैसे करती है. अभी वो जो फैशन वीक आने वाला है उसके लिए she was working day and night. उसको स्ट्रेस अटैक हो गया, दैट्स अबाउट इट. इसलिए आप लोग अगर कोई गलत अफवाह ना छापें तो अच्छा होगा. चलो. सुना तुमने? तुम्हें क्या लगता है, ये वाकई सच कह रही थी? है? अरे मीडिया में आया हुआ नया बच्चा भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा. नताशा कपूर के किसे शहर में सबको पता है. माँ, प्लीज, आप उसे कुछ नहीं कहेंगे. प्लीज, प्लीज, प्रॉमिस मी.
आज नताशा के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब कुछ तुम्हारे लाड और प्यार की वजह से हुआ है। तुमने ही बिगाड़ के रखा हुआ है उसे, और आज इसी वजह से वो। मैं मानता हूं जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हो। आपको जो कहना है ना अब मुझसे कहिए, और प्लीज नताशा से कुछ मत कहना प्लीज। डॉक्टर एक्सक्यूज मी, अभी वो बिल्कुल ठीक है, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन लेकिन देखिए ब्लड काफी बह चुका है जिसकी वजह से वो काफी कमजोर हो गई हैं, और इसके लिए उन्हें आराम और उचित खुराक की जरूरत है। डॉक्टर और कुछ नहीं, सब ठीक है। माँ आप लोग जाइए, मैं जरा डॉक्टर से डिटेल में बात करता हूँ। थैंक गॉड, मुझे तो ये लगा था कि कहीं कोई प्रेगनेंसी की रिपोर्ट ना आ जाए। मैं तो सारे रास्ते यही प्रे करती हुई आई हूं। कम ऑन लेट्स गो। ये अमीर आदमी अपने आप को समझते क्या? दूसरा इंसान इंसान नहीं होता क्या? मैं तो है ना सपने में भी नहीं सो सकती कि कैसे। अरे प्रिया तुम लोग आ गए? पता है आज क्या हुआ? अगर तो सुनेगी ना तुझे यकीन ही नहीं होगा। हाँ प्लीज, आज चाहे तुम कुछ भी कहोगी ना मुझे यकीन हो जाएगा। जिस दुनिया में उस इंसान जैसे लोग रहते हैं वहां कुछ भी हो सकता है। खाना खाया उन्होंने? अरे कहाँ, उसके कमरे में खाना लेके भी गई, दो निवाले मुश्किल से खाए, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है। बीपी तो फ्लक्चुएट नहीं हुआ ना? तुझे वाकई लगता है कि इस उम्र में कार्तिक को बीपी हो सकता है? अरे इसमें तो अच्छा भला आदमी भी। अब इस सब के बीच में कार्तिक कहाँ से आ गया? हम उसी की तो बात कर रहे हैं ना। क्या हो गया तुम्हें? मैं पापा की बात कर रही हूँ। कुछ पता भी है क्या हुआ है हमारे साथ आज पुलिस स्टेशन में? इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया उन्होंने हम लोगों को। बात सिर्फ मेरी होती तो मैं सहन कर भी लेती, लेकिन पापा के साथ पता है कितने घंटे तक बिठा के रखा हमें वहां पर। पापा को खांसी आई तो पानी तक नहीं पीने दिया। सुधीर एक बात बताइए, पुलिस स्टेशन में इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया, और यहाँ आकर अपने कमरे में लेट गए। अब चलिए उठिए उठिए, जल्दी चेंज करिए, मुझे भी चेंज करना है, चलते हैं। कहाँ? उठिए उठिए। हाँ। डॉक्टर के पास। क्यों? आपका बीपी लो हो रहा है, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। आइंदा आपने मुझे कुछ नहीं बताया ना तो देखना। शिप्रा कुछ नहीं हुआ है मुझे। चलिए अच्छा अच्छा ठीक है, पहले कुछ खा लीजिए, इसके बाद चलते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है? ये लीजिए। मैं देखती हूँ बीपी की दवाई भी है कि नहीं है। वापस आकर है ना मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना है। क्यों? छोड़ूंगी नहीं मैं उन पुलिस वालों को। अगर आपने मुझे पहले बताया होता ना तो अभी तक जाकर मैं उनकी बैंड भी बजा आती। हाँ, पहले क्यों नहीं बताया आपने मुझे? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ शिप्रा कि तुम छोटी से छोटी बात का टेंशन ले लेती हो और बाद में फिर तुम्हें तकलीफ होती है। और अब आपको जो तकलीफ हो रही है उसका क्या? आप खाओ, थोड़ा 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 खाते रहो। पर दी ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि आप जब सुबह वापस आई थी तब आपका मूड क्यों खराब था? अरे आज मैं उस गाड़ी के मालिक से मिलने गई थी आयशा, सोचा था सॉरी वॉरी बोलकर मामला यहीं खत्म कर दूंगी, लेकिन इतना घमंडी था वो। पता है मैंने इतनी मिन्नतें की फिर भी मुझसे मिला नहीं। मैंने अपने आप को क्या समझता है, एक बार मेरे सामने आ जाए ना तो उसे इतना सुनाऊंगी ना कि। तो सुनाओ ना, प्रॉब्लम क्या है? सामने नहीं आ रहा है तो फोन करके सुनाओ। छोड़ना आयशा, अब कहाँ फोन वोन पे मैं। कम ऑन दीदी, उसने आपको परेशान किया है, पापा को तंग किया है, आपको उसे जवाब देना ही होगा। हमेशा लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? गुस्सा नहीं आता आपको?
और अगर अब गुस्सा आया है ना तो उसे दबाओ मत। मैं तो कहती हूँ निकाल दो सामने वाले। लेकिन कैसे, मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। अरे दीदी नंबर निकालना कौन सी बड़ी बात है, दो मिनट का काम है। ये देखो। हेलो, हे जो, व्हाट्स अप? ओह, लव यू टू बेबी। वो वाला लव यू नहीं, के दूसरा वाला लव यू। जो एक्चुअली बेबी किसी का नंबर निकलवाना है और मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन उसका एड्रेस है मेरे पास, पूरा एड्रेस, एंड ही इज अ बिग शॉट। थैंक यू सो मच जो। देखा, किसी का भी ना नंबर निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं, बस दो मिनट और नंबर आ जाए। नंबर मिल गया था, लैंडलाइन है, बैंड्रा इसमें कोई सुधीर शर्मा नाम के आदमी है जिनके नाम पे रजिस्टर्ड है, और इनके घर में एक लड़का भी है कार्तिक नाम का। नंबर दे। नाम सोच ले। नंबर दे। हेलो, ये कार्तिक का घर है जी, आप कौन? फोन दीजिए उसे। कार्तिक तो इस वक्त घर पे नहीं है, आप मैसेज मुझे दे दीजिए, मैं उसे बता दूंगी। ठीक है, उसे कह दीजिए कि मेरे साथ उलझकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। He's gone. मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, उसका जो करने वाला मैं। Excuse me? आप लोग अपने आप को समझते क्या हैं? हेलो, मैं आप लोगों की हरकत बर्दाश्त करने वाला। हेलो, देखिए मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा ऊंचा बोलेंगे? मेरी बहन के साथ जो कार्तिक ने किया, I am going to make him pay for it. हेलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या कह रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए। हेलो, आप प्लीज बता दीजिए आप कौन बोल रहे हैं, मैं कार्तिक से कहूंगी, वो आपसे बात कर लेगा। नहीं नहीं, फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी गलती की है उस कार्तिक ने, अपनी आंखों से बड़े सपने देखने की कोशिश की है, और अब उन सपनों की कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और उसको पता भी नहीं चलेगा, I promise you that. एक मिनट, बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने भी, बिना जान पहचान किए आप इतनी देर से बोले जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो मन में आए आप वो कहें। आप होते कौन है मेरे भाई को इस तरह धमकाने वाले? मैं कौन हूँ और मैं क्या कुछ कर सकता हूँ ना? बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा, ये फोन कॉल तो सिर्फ एक शुरुआत थी, आगे आगे देखना कि मैं क्या करता हूँ। क्या होने वाला है मतलब? आप अब हेलो, कौन था ये आदमी और किस बारे में बात कर रहा है? कार्तिक, मुझे कार्तिक से मिलना है। इस वक्त उसके बारे में मत सोच प्लीज, तुझे आराम की जरूरत है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई हैव टू मीट कार्तिक। राम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अभी। क्या हो गया माँ? राम, मुझे कार्तिक से मिलना है। क्यों? आप कार्तिक से क्यों मिलना चाहती? Because I think हमें नट्स की शादी कार्तिक से करवा देनी चाहिए। What? माँ ये क्या कह रही है? एक मिनट, नट्स छोटी है अभी, बहुत छोटी है, उसको सही गलत की समझ नहीं है, लेकिन आपको तो राम, वो इतनी ना समझ भी नहीं है जितनी तुम्हें लगती है। She's a well-known designer. अरे what well-known designer? Ma'am, what's wrong with you? चार ढंग के कपड़े बना के बेच देना does not make you a well-known designer. और please trust me on this. वो लड़का सही नहीं है। लड़के को छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम nuts के बारे में क्या जानते हो? क्या जानता हूँ मतलब क्या? मेरी बहन है। I love her. I'm crazy about her. और क्या? राम, तुम्हारी बहन होने के साथ साथ वो एक लड़की भी है, जो एक लड़के से प्यार करती है। और अगर उस लड़के के साथ हमने उसकी शादी नहीं होने दी, she can harm herself. फिर harm herself क्या कर लेगी वो? अरे कमरे में लॉक कर देंगे उसको जब तक अकल ठिकाने नहीं आती उसकी। और तुम्हें लगता है ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? राम, वो उन लड़कियों में से नहीं है
जिसे समझा बुझा के मनाया जा सकता है, वो वही करती है जो उसे सही लगता है। I don't understand this, आप चाहती क्या है? मैं कैसे उस लड़के के साथ इसकी शादी की बात करूँ? मैं उस लड़के को जानता भी नहीं हूँ, उसके परिवार को नहीं जानता हूँ। You don't know the boy. अरे I know the type. एक बार मिल लो उससे, क्या पता वो नट से वाकई प्यार करता हो। तो I don't believe. ठीक है, आपकी खातिर और छोटी की खातिर मैं उस लड़के से मिलने के लिए तैयार हूँ। But please understand, I'm not going to change my mind. मैं छोटी को अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूँ। जितना मैं रोक सकता हूँ, मैं रोकूंगा उसे। मामा, what's wrong with you? आप नताशा की शादी करना चाहती है? इशिका, you know her reputation. आए दिन किसी ना किसी पेज थ्री पार्टी में वो किसी ना किसी नए लड़के के साथ दिखाई देती है। ऐसे में कौन से अच्छे घर का लड़का शादी करेगा नताशा से? हमें उसे कंट्रोल करना पड़ेगा इशिका, और कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, उसकी शादी करवा दें। Come on, मम्मा, लेकिन एक मिडिल क्लास बॉय के साथ। मिडिल क्लास हुआ तो क्या हुआ, सिर्फ पैसा ही तो नहीं है ना उसके पास? अरे उसे पैसा हम देंगे, स्टेटस देंगे, पूरा बिजनेस सेट करके देंगे उसे। लेकिन अगर वो लड़का हमारे हाथ से निकल गया तो नर्स की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। And I can't take that risk. So much. You're such a sweetheart. Thank you so much. दी, नंबर मिल गया। किसका? क्या दी? आप मुझे काम देकर खुद ही भूल जाती हो। अरे उस आदमी का नंबर मिल गया जिसने आपको और पापा को परेशान किया था। ये लो फोन, और ऐसी बैंड बजाओ उसकी कि जिंदगी भर याद रखे। हाँ। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब आयशा। तुझे बात करनी है ना तो तू कर। ठीक, कम ऑन दी। दी, हर आदमी में ना एक शेर होता है, सिर्फ उसे उंगली करने की देर है। उन्होंने आपकी इंसल्ट की है, आपकी, आप ही को कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या लेकिन? लेकिन कुछ नहीं, आप 21वीं सदी की लड़की हो, 2011, आप कुछ भी कर सकती हो। दी, कम ऑन, ये लो फोन, फोन करो और ऐसी बैंड बजाओ कि जिंदगी भर वो कभी आपके सामने अपनी आंखें नहीं उठा पाए। ठीक कह रही है तू आयशा, ठीक कह रही है तू। अरे वो अमी है तो क्या हुआ? वो अपने पैसे के बल पर हमें इस तरह हमेशा इंसल्ट थोड़ी कर सकते हैं, है ना? तो नंबर दे मुझे, नंबर दे, मैं बात करती हूँ। बोल। राम, एक प्रॉब्लम क्या है यार? अब माँ कह रही है तो एक बार उस लड़के से मिल लेते हैं ना। हाँ यार विक्रम, तू भी। अरे सोच तो यार, एक बार मिलने में क्या हर्ज है? देखते हैं लड़का क्या है, क्या करता है, क्या चाहता है, मिल लेते हैं ना। किसका? सेम नंबर यार, मत की दाद देनी पड़ेगी इनकी यार। इतना कुछ कहा मैंने इनसे फोन पे, फिर भी फोन करा है। चल देख क्या क्या। हेलो। हेलो जी, मैं प्रिया बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। आपका नंबर मैंने ढूंढ निकाला है, आपसे कुछ बात करनी है। हेलो जी, मैं प्रिया बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। आपका नंबर मैंने ढूंढ निकाला है, आपसे कुछ बात करनी है। शुरुआत में इतना टाइम मत वेस्ट करो, टेक ऑफ करो। उसे कहो कि हम उससे डरते नहीं है, और देने को हम भी धमकी दे सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं बोलो। हाँ देखिए, आप हमारी शराफत का फायदा मत उठाइए। देने पे आए ना तो हम भी धमकी दे सकते हैं। आई सी, तो धमकी देने के लिए दोबारा फोन कर रही हो तुम? हाँ नहीं, ऐसा ही समझ लीजिए। एक छोटा सा कांड क्या हो गया? छोटा सा कांड और नहीं तो क्या। अरे एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और आपने बात का इतना बड़ा इश्यू बना लिया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इतनी बड़ी बात को छोटा सा कांड कह रही हो तुम? यहाँ पर किसी के जान जाने वाली थी और तुम्हारे लिए मामूली सा एक्सीडेंट है। कमाल है, आप मुंबई में ही रहते हैं ना, इस शहर में आए दिन ऐसे छोटे मोटे हादसे और एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसके लिए बात को इतना खींचने की जरूरत नहीं थी जितना आपने खींच दिया है। ऐसे लोगों के साथ तू चाहता है कि मैं रिश्ता जोड़ू? You have to hear what she's saying. तेरे को पता है क्या बोल रही है? पता है तेरे को? जो कुछ भी हुआ इसके लिए छोटा सा कांड है। She thinks it's a small goddamn accident. अरे एक लग क्या गया छोटा सा? आप तो मरने मारने पे उतर आए, इतना भी ओवर सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें ना तो कुछ भी कर सकते हैं, पैसे भी मांग सकते हैं। गलती आपकी थी, लेकिन हम फिर भी पुलिस स्टेशन नहीं गए।
आपने सोचा है? अगर हमने ये बात मीडिया तक पहुंचा दी तो क्या होगा? These guys are unbelievable. प्रेस में जाने की बात कर रही है। इनके लिए छोटी सी मामूली सी बात है। पागल है, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन इतना चीख चिल्ला रहा है जैसे हमने किसी की जान ले ली हो। अच्छा एक मिनट, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मीडिया की बात छेड़ो, कहो उसे इंसल्ट कर देंगे मीडिया के सामने, डर जाएगा। आप ये मत समझिए कि आपके पास बहुत पैसा है तो आप कुछ भी करके बच जाएंगे। अभी भी वक्त है, संभल जाइए, वरना वो मीडिया वाली बात को लेके मैं बहुत सीरियस हूँ। तो अब मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो तुम? इस मामले को तुम पब्लिक इशू बनाना चाहती हो? उसे कहो शुक्र है हमने पैसे नहीं मांगे। देखिए ये तो शराफत है कि हमने पैसे नहीं मांगे, वरना आप कितने घाटे में रहते, सोचा है आपने? Hey, you listen to me. अब जबरदस्त फिल्मी डायलॉग बोलकर फोन रख दो। सुनिए मिस्टर, मैं आपसे आखिरी बार कह रही ये छोटी छोटी बातों पे ना आप हमें परेशान करना छोड़ दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी बहुत पैसा है ना आपके पास, तो जाइए उसकी मरम्मत करवाइए जिसका एक्सीडेंट हुआ है। हमें परेशान मत कीजिए, खुद भी शांति से रहिए और हमें भी शांति से रहने दीजिए, समझे? रख दो। God damn them! Relax कर यार, क्या बोल रही है? चाहता कि मैं इन लोगों के साथ रिश्ता जोड़ू ना? रिश्ता तो दूर की बात, इनकी शक्ल नहीं देखूंगा मैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.